हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गार्डन में जो लगी हुई सब्जियाँ हैं वो कितनी जल्दी बड़ी हो रही हैं। देखिए, जैसे कि आप ये लौकी देख रहे हैं, ये आप बेल देख लीजिए। पहले ये है लौकी की बेल, आप देखिए कितनी बड़ी हो गई है और इसमें लगी हुई हैं ये छोटी छोटी सी। आपको दो लौकी दिख रही होंगी, ये देखिए दो छोटी छोटी सी लौकी और इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक बड़ी सी जो लौकी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये जो लौकी है ये आज से करीब 8 से 10 दिन पहले आई हुई थी छोटी सी, और अभी इसका साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। अभी देखिए ये करीब 10 दिन में तोड़ने लायक हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जब इसको तोड़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कितनी बड़ी हो गई है। अभी ये देखिए जो आस पास में ये लगी हुई है, ये इसी के पास में लगी हुई है खीरा की बेल, खीरा और ककड़ी, जिसमें अभी फूल आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें छोटे छोटे से फल भी लगे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये फल लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है, और ये फूल हैं, और इसमें एक ये देखिए छोटा सा फल लगा हुआ है, और एक ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा इसमें एक फल ये लगा हुआ है जो कि खीरा है, और देखिए और भी इसमें छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं। ये देखिए ये तुरई की बेल है जो कि बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा घनी है, और इसकी जो बाकी की बेल हैं वो देखिए एक दो तरफ लटक भी गई हैं, जैसे कि देखिए ये लटक रही है, और भी बेल हैं बहुत ज़्यादा घनी है, और इसमें बहुत ही बंच में फूल आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, फूल बहुत ही बंच में हैं, और इसमें जब तुरई भी आएगी तो बहुत ही ज़्यादा एक साथ आएगी, आपको दिखाऊंगा तब मैं। और ये देखिए अमरूद का पेड़ जिसमें अमरूद लगा हुआ है, ये देखिए एक अमरूद काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये कि छोटे छोटे से दो अमरूद इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए एक और क्यारी जिसमें कि ककड़ी काफ़ी बड़ी हो गई है, देखिए आज हम इसको तोड़ेंगे। ये रही ककड़ी, और ये देखिए आज ये खाने के लिए हो गई है, तो आज इसको हम खाएंगे। काफ़ी अच्छी ककड़ी है, काफ़ी बड़ी हो गई है। इसमें देखिए और भी एक छोटी सी ये ककड़ी लगी हुई है, आपको दिखाएंगे और भी छोटी छोटी सी इसमें ककड़ियाँ लगी हुई हैं। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है लौकी का फूल, और इसमें देखिए हल्की हल्की लौकी भी बनने लगी है। ये देखिए फूल कितना ही प्यारा है, और इसमें लौकी भी बनने लगी है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये जो बड़ा सा फूल देख रहे हैं आप येल्लो कलर का, ये फूल है कद्दू का, देखिए कितना बड़ा फूल है, और ये देखिए इसमें मधुमक्खी भी बैठी हुई है जो कि अपने लिए शहद बना रही हैं। और भी इसमें देखिए कद्दू के फूल लगे हुए हैं, और कुछ दिनों बाद इन फूलों के बाद हमको कद्दू भी इसमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसमें लगी हुई है भिंडी, अभी मैं आपको भिंडी दिखाता हूँ, जो कि भिंडी इसमें काफ़ी हम 2 बार तोड़ चुके हैं, और ये देखिए भिंडी का फूल, और ये है भिंडी, ये देखिए भिंडी लगी हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ जो मेरी फेवरेट बेल है, अभी जो हमने नई लगाई हुई है, ये है अपराजिता का पौधा, और आप बेल तक देख सकते हैं अपराजिता की। ये देखिए अपराजिता का फूल, और देखिए ये इसका फूल कितना ही प्यारा है, ये देखिए अपराजिता का फूल, और एक फूल ये रहा, इसी में एक येल्लो कलर का फूल आता है, एक ऑरेंज कलर का, और एक वाइट कलर का अपराजिता का फूल। ये देखिए ककड़ी जो ग्रो बैग में लगी हुई है, ये ककड़ी का पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जितनी भी ककड़ियाँ हैं सारी लंबी आती हैं और मोटी आती हैं। आप इस वाली ककड़ी का साइज़ देख सकते हैं, अभी ये कितनी लंबी होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वाले पेड़ की जितनी भी ककड़ी हैं सारी लंबी ककड़ी होती हैं। ये देखिए इसी में लगा हुआ है ये जो आपको दिख रहा है येल्लो कलर का, ये है अंगूर की बेल, और देखिए अंगूर की बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, और इसमें हम लोग को कुछ दिनों बाद अंगूर भी देखने को मिलेंगे। और ये जो बगल में ग्रो बैग में लगा हुआ है, ये है नींबू का पौधा, जिसमें आपको नींबू मैं आपको दिखाता हूँ लगा हुआ। ये देखिए नींबू लगा हुआ है एक छोटा सा, शायद आपको दिख रहा होगा कि नींबू का पौधा है, और इसमें नींबू भी आ रहे हैं। ये है मिर्च का पौधा जिसमें बहुत सारी मिर्च लगी हुई है, आज से 3-4 दिन पहले हमने इसमें से मिर्च तोड़ी हुई थी, उसके बाद फिर भी अभी इसमें मिर्च आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें मिर्च अभी भी लगी हुई है। ये देखिए मिर्च, और भी इसमें मिर्च, ये देखिए मिर्च लगी हुई है, और भी बहुत सारी इसमें मिर्च लगी हुई है। ये जो फूल आपको दिख रहा है ये है करेला का फूल, और इसमें देखिए अभी करेला आने वाले हैं कुछ दिनों में, बेल तो काफ़ी हेल्दी हो गई है, और ये देखिए इसमें काफ़ी फूल आए हुए हैं, और इसमें हमें बहुत सारे करेले देखने को मिलेंगे कुछ दिनों बाद। आप फूलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साथ कितने करेले आने वाले हैं। और ये देखिए इसी के साथ में एक तुरई की बेल भी लगी हुई है, और ये है पपीता का पेड़, देखिए पेड़ कितना हेल्दी है ये देखिए, और कितना ही मोटा इसकी जड़ है, ये देखिए इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी है, और जड़ भी इसकी काफ़ी मजबूत हो गई है। ये देखिए ये जो हमने लगाया था पपीता का पौधा, ये पपीता खाया था उसी के बीज डाले थे, जिससे कि अपने आप ये जम गया। और ये है सबकी फेवरेट, ये देखिए मधुमालती की बेल, जिसमें बहुत ही फूल बंच में आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मधुमालती के फूल जो अभी हवा में लहरा रहे हैं, आप देखिए और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप भी अपने घर पर मधुमालती की बेल लगा सकते हैं, बड़ी ईजिली घर पर लग जाती है। और ये देखिए बाकी का गार्डन, ये साथ में हमने केला भी लगाया हुआ है ग्रो बैग में, 24x24 के ग्रो बैग में। और ये देखिए बाकी के पूरा गार्डन, अभी मैं आपको पूरा टूर कराता हूँ, ये देखिए।
ये देखिए हमारा टेरेस गार्डन है छोटा सा, जो हमने छत पे लगाया हुआ है।